हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जिन्होंने DLED का फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, जो कि हम यहां पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो यह क्वेश्चन हुआ है 7/6/2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड पाली का, हम लोग उसका क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग यहाँ पे विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे पहले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और बता देते हैं कि अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF यहाँ पे मिल जाएगा। तो PDF मेरे टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 46 नंबर का, क्रिप्टो गेम है। तो बिना बीज वाले पौधे, अंडाशय वाले पौधे, फल वाले पौधे, बीज वाले पौधे, तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना बीज वाले पौधे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आनुवंशिकता के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल, जेम्स वाटसन। तो इसमें सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट है, अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? तो इसमें कोबाल्ट है, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन। तो इसमें कैल्शियम तक लागू हुआ था। नेक्स्ट है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है त्वचा। नेक्स्ट है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह काइटिन है, सबरीन है, पेक्टिन है, लिग्निन है। तो इसमें सही आंसर होगा काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है इसका परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? अगर किसी भी तत्व का अगर न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए बोलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर में है इसको हम लोग नीचे घटा देंगे, तो जितना मिलेगा वो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन संख्या कितना निकला? 12। चलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है मतलब बांटा जाता है, इसमें किस पर आधारित होकर के बटा जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, भौतिक और जैविक गुणों पर और रासायनिक गुणों पर, भौतिक और रासायनिक गुणों पर। तो इसमें सही आंसर होगा भौतिक और रासायनिक गुणों पर इसे वर्गीकरण करके बटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव या हरित लवक। तो यह सही आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का
0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो g का मान चंद्रमा पर होगा। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं आंसर कमेंट करके। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के इसके मान के बराबर। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसमें एम्पियर ने, फैराडे ने, फ्लेमिंग ने, मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय का खोज किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फैराडे ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो इसमें कोयला है, सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, बायोगैस। इसमें बायो मतलब नहीं होगा और सौर ऊर्जा भी नहीं होगा, थर्मल भी नहीं होगा, तो इसमें कोयला होगा जीवाश्म ऊर्जा का। ये जो कोयला है मतलब लाखों वर्षों तक यह पहले मिट्टी के अंदर मतलब होता है, इसके बाद वहाँ पे सड़ता गलता है, उसके बाद बनता है। नेक्स्ट है, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है? इसमें किसका, प्रतिध्वनि का, लेजर का, सोनार का, अनुसरण का। इसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जा सकता है? तो एरेनकाइमा को, पेरेनकाइमा को, एस्क्लेरेनकाइमा को या कोलेनकाइमा को। यह जो मृत यांत्रिक उत्तक होता है या पेड़ में होते हैं, तो यह इसमें मृत बोला है ना, तो मृत इसमें एस्क्लेरेनकाइमा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, 59 का, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, इसका त्वरण क्या होगा? यहाँ पे त्वरण पूछा गया है, तो त्वरण हम लोगों को यह इसका सूत्र होता है जो कि हम लोग देख के याद कर लेंगे। इसमें होता है सही आंसर उसका होगा डी। नेक्स्ट है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है तो कैसे? वास्तविक प्रतिबिंब में, विद्युत सिग्नल में, विद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। बासठ में है, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, इनमें से कोई नहीं, पानी, मीथेन या NADH। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NADH। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन DLED एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व एक्स है, तो वह तत्व कौन सा है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, जो धातु होता है ऐसा कम करता है, ऑप्शन नंबर बी धातु आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसानों के द्वारा फसल चक्र को
उद्योग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? किसान फसल चक्र मतलब होता है कि एक फसल इस बार लगाएं, फिर दूसरा फसल लगाएंगे, फिर तीसरा फसल लगाएंगे, मतलब फसल को चेंज करके करके हम लोग लगाते हैं। तो यह क्यों होता है ऐसा? 64 नंबर में है, ऐसा क्यों होता है? तो मृदा उर्वरता, मृदा मतलब मिट्टी को उर्वरता मतलब उपजाऊ बनाने के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उष्मा शोषी विक्रिया है, यह उष्मा क्षेपी विक्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मा शोषी विक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए इसको भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में है, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है। तो परिभाषित किया गया है यह 169 के अनुच्छेद 169 में यह परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों हम लोग अगर इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, हम लोग बेसिक जो कि अगर पूछेगा यहाँ पे संविधान, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 थे, लेकिन अब जो है 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान से रखेंगे। और अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने सूचियां थे, यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कितना सूचियां थे? तो यह पहले मूल में था 8, अभी वर्तमान में हो गया है 12। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो ये भाग पहले थे 22, जो कि अभी भी 22 ही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है प्राकृतिक गैस, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला। तो यहाँ पे बोलता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक उदाहरण विद्युत नहीं है। प्राथमिक का ये हुआ, प्राकृतिक हुआ, पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा जो है आंध्र प्रदेश में चुना हुआ था और यहीं पे यह नारा दिया गया था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 69 का आंसर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.243% आदमी जो है द्वितीय कार्यों में लगी हुई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो यह पतन का नाम है मुंबई में है, और नई मुंबई में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, यह क्या था? थॉमस पाइन ने, जो कि अमेरिका के थे, और इसमें अमेरिका का स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है थॉमस पाइन ने। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो थॉमस पाइन ने। चलिए, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किसके पास है?
यह निर्वाचन जो होता है निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी सही। आगे है, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो इसमें सही आंसर होगा इसका भील। यह फर्स्ट पे एक नंबर पे आता है सबसे बड़ी जनजाति में, और दो नंबर पे आता है गोंडा, ये सी। तो इसका आंसर सही होगा डी नंबर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो हम लोग यह झील जानते हैं कि बेगूसराय में है, बिहार का बेगूसराय जिले में स्थित है, जो कि यह 2020 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। चलिए आगे है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत का प्रथम मतलब फर्स्ट बार जो बना था मुख्य आयुक्त चुनाव जो करने वाला बना था, यह था सुकुमार सेन। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं थे, दूसरे यहाँ ध्यान दीजिएगा पूछा है नहीं था, तो जर्मनी, जापान, इटली, सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ, ये नहीं थे, यह मित्र राष्ट्र में शामिल थे। चलिए आगे, क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज